वेलकम टू अंकित फार्मेसी। दोस्तों, आज हम एल्कलॉइड का अगला क्लासिफिकेशन प्यूरीन एल्कलॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्यूरीन एल्कलॉइड्स, जो प्यूरीन एल्कलॉइड्स हैं, दीज एल्कलॉइड कंटेन प्यूरीन बेस कंटेन करता है एल्कलॉइड, विच इज़ अ फ्यूज़न ऑफ, जो कि बना होता है इमिडाजोल एंड पायरीमिडीन रिंग के फ्यूज़न से। और जितने भी प्यूरीन एल्कलॉइड्स हैं वो म्यूरोक्साइड कलर रिएक्शन पॉजिटिव देते हैं। सबसे पहला इसमें कॉफ़ी, जो कॉफ़ी है इसका सिनोनिम होता है कॉफ़ी बीन या कॉफ़ी सीड, जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है। इट इज़ ड्राइड राइप सीड ऑफ कॉफ़ी अरेबिका एंड कॉफ़ी लिब्रेका। कॉफ़ी अरेबिका एंड कॉफ़ी लिब्रेका से अपने को ड्राइड राइप सीड से मिलता है, और इसकी जो फैमिली होती है रूबिएसी होती है। याद रखिएगा, फैमिली रूबिएसी होती है कॉफ़ी में। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं कॉफ़ी में, कैफीन, टैनिन, फिक्स्ड ऑयल एंड प्रोटीन्स इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। जो कैफीन होता है वो 2 से 3% होता है, जो टैनिन होता है 3 से 5% होता है, जो फिक्स्ड ऑयल होता है वो 10 से 15% होता है, एंड जो प्रोटीन होता है वो 13% होता है। जो कैफीन होता है वो प्रेजेंट होता है द साल्ट ऑफ क्लोरोजेनिक एसिड के फॉर्म में, क्लोरोजेनिक एसिड के फॉर्म साल्ट में प्रेजेंट होता है। और ड्यूरिंग रोस्टिंग, जब अपन रोस्टिंग करते हैं रोस्टिंग प्रोसेस के टाइम पे, तो एक एग्रीएबल स्मेल आती है कॉफ़ी में, जो कि डेवलप होती है किसके कारण, कैफियोल ऑयल होता है, कैफियोल के कारण इसमें एग्रीएबल स्मेल आती है। इसके बाद है यूजेस, जो यूजेस है कॉफ़ी का वो यूज़ किया जाता है स्टिमुलेंट एंड डायुरेटिक्स के रूप में। नेक्स्ट है कोकोवा, जो कोकोवा है इसका सिनोनिम होता है कोकोवा सीड या कोकोवा बीन, और ये कहाँ से अपने को इसका बायोलॉजिकल सोर्स जो होता है, इट इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम सीड्स ऑफ कोकोवा थियोब्रोमा सीड से अपने को मिलता है। और जो इसकी फैमिली होती है वो होती है स्टेकुलेशिया, स्टेकुलेशिया इसकी फैमिली होती है। जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है थियोब्रोमिन एंड कोका बटर, थियोब्रोमिन एंड कोका बटर इसमें प्रेजेंट होता है। कोकोवा बटर को ऑयल ऑफ थियोब्रोमा भी बोलते हैं। इट कंटेन लेस परसेंटेज ऑफ कैफीन, इसमें लेस परसेंटेज में कैफीन होता है। यूजेस जो है स्टिमुलेंट एंड डायुरेटिक्स यूज किया जाता है। कोकोवा आल्सो हैव न्यूट्रिटिव एक्टिव न्यूट्रिटिव भी यूज़ किया जाता है, एंड कोकोवा बटर इज़ लार्जली यूज इन एज अ सपोस्ट्रीज बेस इन फार्मास्यूटिकल्स, सपोस्ट्रीज बेस के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट रहेगा, कोकोवा बटर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कोला, जो कोला है इसका सिनोनिम होता है बिस्सी या गोरू सीड और कोला नट, इनके सिनोनिम होते हैं। जो बायोलॉजिकल सोर्स है ये ऑब्टेन होता है द कोटिलेडन ऑफ कोलानिटाडा, कोलानिटाडा के कोटिलेडन से मिलता है, और इसकी फैमिली भी स्टेकुलेशिया होती है जो कोकोवा की है। जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है कैफीन एंड थियोब्रोमिन इन कॉम्बिनेशन, कैफीन एंड थियोब्रोमिन कॉम्बिनेशन में होते हैं विथ टैनिन के साथ, इसलिए अपन इनको क्या बोलते हैं, कोला कटेचिन। जो कैफीन होता है 1 से 3% होता है और थियोब्रोमिन 1% होता है। यूज़, जो कोला नट्स है इसका यूज़ किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ एरेटेड बेवरेजेस एज स्टिमुलेंट, एरेटेड बेवरेजेस एंड स्टिमुलेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। टी, नेक्स्ट है टी, टी का सेनोनेम होता है कैमेलिया थिया, और जो ये अपने इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है लीव्स एंड लीफ वट ऑफ थिया सिनेसिस, लीफ एंड लीफ वट से मिलता है, कौन से प्लांट से, थिया सिनेसिस से, और इसकी फैमिली क्या होती है थिएसी, और थिएसी की अदर फैमिली होती है टर्नस्ट्रोमियेसी, इसकी भी फैमिली होती है। अगर जो आपसे थिएसी नहीं पूछे तो राइट आंसर होगा
टर्नस्टोमियसिस की फैमिली होगी। और जो ब्लैक टी होती है वो अपने को मिलती है इंडिया एंड श्रीलंका से, और जो ग्रीन टी होती है वो अपने को चाइना एंड जापान से मिलती है। और जो ग्रीन टी इज ऑब्टेंड बाय पुटिंग टी लीव्स इन कॉपर पैंस, जो टी लीव्स होती हैं उसको अपन कॉपर पैंस में रखते हैं ग्रीन टी के लिए, और ड्राइंग करते हैं बाय आर्टिफिशियल हीट द्वारा। जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं टी में, रिच सोर्स होता है कैफीन का, इट ऑल्सो कंटेन थियोब्रोमिन एंड थियोफाइलिन इन माइनर क्वान्टिटीज। थियोब्रोमिन एंड थियोफाइलिन इसमें माइनर बहुत कम मात्रा में होता है। और जो कलर होता है टी लीव्स का वो होता है ड्यू टू गैलोटेनिन एसिड, याद रखिएगा इम्पोर्टेंट रहेगा, जो कलर होता है टी लीव का वो होता है गैलोटेनिक एसिड के कारण। जो गैलोटेनिक एसिड होता है वो 15% प्रेजेंट होता है। एग्रीएबल ऑर्डर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ येलो वॉलेटाइल ऑयल, जो इसमें ऑर्डर होती है वो येलो वॉलेटाइल ऑयल्स के कारण होती है। और जो टी लीव्स ऑल्सो कंटेन एन एंजाइमेटिक मिक्सचर, जो टी लीव्स होती हैं वो कंटेन करती हैं एंजाइमेटिक मिक्सचर जिसका जिसे अपन बोलते हैं थीएज। यूजेस, जो यूज़ होता है टी का, सी एन एस स्टिमुलेट इन द फॉर्म ऑफ बिवरेजेस एंड ऑल्सो डायूरेटिक। सी एन एस स्टिमुलेंट यूज़ किया जाता है और डायूरेटिक एक्टिविटी भी होती है। इसके बाद है कैफीन। जो कैफीन है, कैफीन अकर एज अ वाइट पाउडर, ये वाइट पाउडर के फॉर्म में मिलता है विदाउट एनी ऑर्डर, इसमें कोई भी ऑर्डर नहीं होती, बट पॉजेस बिटर टेस्ट, लेकिन इसमें बिटर टेस्ट होता है। इट इज़ अ वीक बेस एंड फीबली सोल्यूबल इन वाटर, ये वीक बेस होता है और वाटर में आसानी से सोल्यूबल हो जाता है। वाटर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एंड सॉल्वेंट ईथर, इनमें जल्दी से सोल्यूबल हो जाता है। और जो सोल्यूबल लेकिन जो सोल्यूबिलिटी होती है वो शार्पली इंक्रीज हो जाती है, मतलब जल्दी से बढ़ जाती है प्रेजेंस ऑफ बेंजोएट, ब्रोमाइड, सिट्रिक एसिड एंड सैलिसिलेट, इन सब की प्रेजेंस में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। केमिकल टेस्ट जो होते हैं कैफीन जो होता है, और ऑल्सो अदर प्यूरिन अल्कलॉइड, जितने भी अभी अपन ने पढ़े प्यूरिन अल्कलॉइड्स, उन सभी सभी गिव क्या देते हैं, म्यूरोक्साइड कलर रिएक्शन देते हैं। म्यूरोक्साइड कलर रिएक्शन में क्या करते हैं, पैटिड्स लेते हैं और उसमें कैफीन ली और HCl एंड पोटेशियम क्लोरेट ऐड करते हैं और हीट करते हैं ताकि वो ड्राई हो जाए। तो कैसा कलर आता है, पर्पल कलर ऑब्टेन होता है। और जो पर्पल कलर होता है वो लॉस्ट हो जाता है एडिशन ऑफ फिक्स्ड एल्कली, जब हम फिक्स्ड एल्कली ऐड कर देते हैं तो पर्पल कलर लॉस्ट हो जाता है। ये हो गया पहला टेस्ट। दूसरा टेस्ट है कैफीन प्लस टैनिक एसिड, जब हम कैफीन और टैनिक एसिड का ऐड करते हैं तो वाइट प्रेसिपिटेट आता है। यूजेस जो है, सी एन एस स्टिमुलेंट ड्यू टू इट्स सेरेब्रल वॉसो कॉन्स्ट्रिक्टर इफेक्ट के कारण इसका सी एन एस स्टिमुलेंट यूज़ किया जाता है। दोस्तों ये प्यूरीन एल्कलॉइड ख़त्म हो गया। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।